नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के लिए धनाधन खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर के रामसागर पारा में जिला कांग्रेस समिति की एक अहम बैठक आयोजित। जिला अध्यक्ष राम किशोर प्रसाद के नेतृत्व में हुई बैठक। बूथ कमेटी के प्रभारी और दूसरे अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा। जनसंपर्क और चुनावी तैयारियों की हुई समीक्षा। शहर अध्यक्ष ने चुनाव से जुड़े राजनीतियों पर किया मंथन। डोर टू डोर कैंपेनिंग को बढ़ाने के लिए निर्देश। बूथ मैनेजमेंट और संगठन की मजबूती पर डी कार्यकर्ताओं को दिया टिप्स। कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र जायसवाल भी रहे मौजूद। संकल्प शिविर की तैयारियों का भी लिया जायजा। बरबसपुर के लोगों के लिए SLR सेंटर बनी बड़ी मुसीबत। तेज दुर्गंध और मवेशियों की मृत लाश से उठ रही सड़ांध से आ रही दिक्कत। वेस्ट मटेरियल खाकर घरेलू मवेशी पड़ रहे हैं बीमार। लोगों ने की SLR सेंटर हटाए जाने की मांग। फेंसिंग नहीं होने से हर दिन इलाके में फैलता है कचरा। निगम के कर्मियों पर सुस्ती का लगाया आरोप। जल्द ही बड़े अधिकारियों से करेंगे शिकायत। बिलाईगढ़ में नहीं थम रहा सड़क हादसों का खूनी सिलसिला। ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने भिड़ंत में बैटिकरी निवासी बाइक सवार की दर्दनाक मौत। मृतक का नाम कुलेश्वर साहू। गंभीर हालत में बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दाखिल करने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के किया सुपुर्द। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों में गुस्सा। नक्सलियों की कायराना करतूत फिर उजागर। जवानों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा हुआ नाकामयाब। बीजापुर के जंगलों में सीरियल धमाके के लिए प्लांट किया गया था बम। पुलिस ने ढूंढ निकाला। राजपेटा के पास से 3 IED, 2 बम, 10 किलोग्राम और 1 बम 20 किलो का किया गया बरामद। CRPF 168 बटालियन के कमांडेंट विनय कुमार ने दी जानकारी। PM के दौरे को लेकर बस्तर में हाई अलर्ट है जारी। नक्सली मौजूदगी दर्ज कराने का कर रहे फोर्स पर हमला। स्थायी वारंटियों पर गिर रही कोरबा पुलिस की कार्रवाई की गाज। अलग अलग मामलों पर फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ तेज। 2 दर्जन से ज्यादा स्थायी वारंटी चढ़े पुलिस के हत्थे। मरौरानी के जंगल से उर्गा पुलिस ने NDPS के आरोपी को लिया हिरासत में। 15 साल से चल रहा था फरार। मुखबिर की सूचना पर मिली कामयाबी। साधु के वेश में मरौरानी के मंदिर में बना लिए हुए था वारंटी। साधु के वेश में छुपकर रहने का आरोप। आरोपी का नाम सतपाल उर्फ महिपाल। बीते कई सालों से मरौरानी के पहाड़ पर डाला हुआ था डेरा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ली राहत की सांस। संभागीय अध्यक्ष पर हमला करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झेरिया बरेट धोबी समाज ने चापा थाने का किया घेराव। छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी बरेट समाज के संभागीय अध्यक्ष राम सेवक बरेट पर 6 मार्च की शाम हुआ था जानलेवा हमला। मामले की रिपोर्ट चापा थाने में कराई गई थी दर्ज। पुलिस अभी तक आरोपियों का नहीं लगा सकी है पता। समाज के लोगों में पनप रहा आक्रोश। प्रतिनिधि मंडल ने SP को ज्ञापन सौंप कर की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गिरफ्तारी नहीं होने पर 11 अप्रैल को थाने का घेराव करने की दी चेतावनी। पुराकोटमी के सरपंच अवधराम सिदार के ऊपर लाखों के गबन का सनसनीखेज आरोप। जनपद पंचायत डबरा में मामले की गई थी शिकायत। जांच में शिकायत पाया गया था सही। जनपद पंचायत डबरा के CEO ने की सरपंच अवधराम सिदार के विरुद्ध FIR। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सरपंच की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों के साथ विधायक प्रतिनिधि मनीष चौधरी पहुंचे थाने। आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी के लिए डबरा SDM और पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख की ठगी करने वाले नटवर लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंत्रालय में ऊंची पहुंच का हवाला देकर ठगी की वारदात को दिया था अंजाम। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में 2 युवकों पर ठगी का आरोप। बेरोजगार से नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए लेकर चंपत हुए ठग। शिकार युवक ने चंद्रपुर थाने में शिकायत कराई थी दर्ज। 2 में से 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी अशोक सिंह मोनेट प्लांट रायगढ़ में कर रहा था काम। दूसरा आरोपी योगेंद्र फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सांसद समेत भाजपा के कार्यकर्ता कचहरी चौक जांजगी में करेंगे प्रदर्शन। संसद सत्र में कांग्रेसी सांसदों द्वारा व्यवधान डालने के विरोध में प्रदर्शन। पत्रकार वार्ता कर सांसद कमला पाटले और भाजपा जिलाध्यक्ष मेघाराम साहू ने दी जानकारी।
व्यवधान की वजह से जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाने का दिया हवाला। एक दिवसीय उपवास रखकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच के बाद किया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के पड़ताल में आए नए तथ्यों के मुताबिक लॉकर को काटने के दौरान उसमें लगी आग। पुलिस का दावा, आग लगने से लॉकर के भीतर रखी रकम दूसरे कागजातों के साथ जलकर हुआ खाक। बैंक के भीतर धुएं के गुब्बार छटने के बाद पुलिस ने प्रबंधक की मौजूदगी में लॉकर का किया मुआयना। 200 के जले हुए नोटों की गड्डी बरामद। गैस कटर भी छोड़ भागे थे चोर। सीएसपी पुष्पेंद्र बघेल ने की पुष्टि, बैंक पर लापरवाही का लगाया आरोप। चोरी और आगजनी के इस सनसनीखेज मामले में बैंक के भृत्य बोधराम से भी हमारे संवाददाता ने की बात। ग्रिल काटकर चोरी को अंजाम दिए जाने की कही बात। चोरों ने बैंक का बिजली भी काटा। अहम सुराग जुटा रही पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की ली जा रही मदद। माओवादी संगठन मिलिट्री दलम की महिला माओवादी मंजुला व सुंदर कोराम ने किया समर्पण। फोर्स के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का आरोप। समर्पित नक्सलियों में एक महिला भी शामिल। अलग अलग माओवाद हिंसा में सुरक्षा बलों के 29 जवानों की हत्या में शामिल होने का भी आरोप। दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था घोषित। दंतेवाड़ा पुलिस ने ली राहत की सांस। लंबे वक्त से पुलिस को थी दोनों नक्सलियों की तलाश। रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं को बहाल करने व नई भर्ती पर रोक लगाने की मांग। संघ अपनी मांगों को लेकर 5 मार्च से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जायज मांगों और अधिकारों पर सरकार व प्रशासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग। रायगढ़ शहर से लगे गोपालपुर के निवासी कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। पानी की समस्या को लेकर गोपालपुर में केवल एक ही हैंडपंप से हो रहा गुजारा। स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर से बोर खनन की अनुमति दिए जाने का किया अनुरोध। अपर कलेक्टर संजय दीवान ने बताया प्रशासनिक टीम स्थल पर करेगी निरीक्षण। आश्वासन के बाद वापस लौटे फरियादी। रायगढ़ के ब्लॉक ग्राम कुनकुनी की महिलाओं का समूह पहुंचा कलेक्टर जनदर्शन में। गांव में हो रही अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की समस्या को लेकर पहुंचे जनदर्शन में। सभी घरों में अवैध शराब बनाए जाने की कर रहे हैं शिकायत। महिलाओं ने समूह बनाकर शराबबंदी के लिए घर घर जाकर लगा रहे हैं गुहार। महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत बटकी में केंद्र सरकार की योजनाएं हुई ठप। रोजगार गारंटी के तहत गहरीकरण में लाखों रुपए की राशि गबन कर लिए जाने का एक बड़ा मामला उजागर। उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत। रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल की पहल पर कोरबा के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में एक विशेष तरह के शिविर का आयोजन। दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की जांच के लिए शिविर। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत बच्चों का परीक्षण, जांच के बाद रायपुर में होगा इलाज। इलाज होगी पूरी तरह निःशुल्क। बीते 5 साल से हो रहा शिविर का आयोजन। बाल विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत ठाकुर ने दी जानकारी, चिरायु योजना के तहत भी होगा बच्चों का उपचार। एसपी कोरबा और एएसपी कीर्तन राठौर के निर्देश पर जिले के पुलिसकर्मी स्थायी वारंटियों की धरपकड़। 15 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अपराधी। बड़ोरानी के मंदिर में सन्यासी का रूप में ली थी पनाह। आरोपी का नाम सतपाल, 12 साल से सन्यासी बनकर दे रहा था पुलिस को चकमा। उर्गा पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की दनादन खबरें। दिन भर के न्यूज अपडेट के लिए आप बने रहें INN24 के साथ। INN24 आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। YouTube में लाइव टीवी देखने के लिए INN24 सिजल ऐप पर विजिट करें। नमस्कार। Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN24.